माय डियर कैंडिडेट, वीक का शुरुआत मंडे और नई ज्वाइनिंग्स, नई प्रोफाइल्स, नए पैकेजेस के साथ मंडे की शुरुआत होती है और जो सभी कैटेगरीज को लेकर के एक रिक्वायरमेंट की पूरी डिटेल रहती है, चाहे वो बड़े पैकेजेस हों, चाहे एवरेज हों, चाहे छोटे हों, सबको लेकर के हम लोग होमवर्क करते हैं और आज सबको एक समरी आपको रखी जाती है। माय डियर कैंडिडेट, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं हर वीडियो में एक बात को आपको बोल रहा हूँ कि मिशन दीपावली ज्वाइनिंग्स के बाद के जो वीडियोज हैं ज्वाइनिंग्स के, वो आपको धीमे धीमे मिल भी रहे हैं, आप उनके एक्सपीरियंस को भी सुन रहे हैं, कई लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं, कई लोग लाइक करना भूल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सुन करके थोड़ा सा देख करके छोड़ भी देते हैं। देखिए, आज आप एक बात जरूर समझिए, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी प्रोफाइल के लिए जाते हैं। लोग जनरली जब भी बात करते हैं जॉब की बात करते हैं, मैं प्रोफाइल बेस्ड जॉब की बात करता हूँ। जनरल जॉब तो बहुत सारी जगह हैं, बहुत तरीके से दी जा सकती हैं, बट प्रोफाइल बेस्ड जॉब जिससे आपकी करियर ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रीज का नाम ऐड होने से पैकेजेस के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसको इसी से बोलते हैं। जब आप ए प्लस कैटेगरी के कॉलेज से कैंपस मिलता है और जब पहली जॉब आपकी 8 लाख से 6 लाख से स्टार्ट होती है तो 30 लाख में आने में समय नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे पास कैंडिडेट हैं जिनको 12 साल से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से जॉब चालू करी थी और आज उनको उस जॉब में आने में लगभग 50,000 में आने में 10 से 12 साल गए और उसके बाद भी उस ग्रोथ को एक अच्छी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा नहीं लेती है क्योंकि शुरुआत और ग्रोथ का रेट बहुत कम है। माय डियर कैंडिडेट, हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स ने किसी पोजीशन में किसी ऐसी इकोनॉमिकल कंडीशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जिसमें उनको जॉब कम की शुरुआत करी हो, फिर अपनी मेहनत से अपनी लॉयल्टी से एक अच्छे पैकेज में आ जाए हों, बट वो लंबा टाइम पीरियड है। और मैं इसीलिए बात करता हूँ कि आज का जो यूथ है, जो यंग है, वो एमबीसीएस है, वो इमीडिएट और बड़ी ज्वाइनिंग चाहता है और आज इसको हम लोग एक्स फैक्टर बोलते हैं कि आज जो यूथ जिसके पास में कैपेसिटी है, जो आज बड़े पैकेजेस चाहता है, जो जल्दी से ग्रोथ चाहता है, उसको ये पता होना चाहिए कि क्या हम ग्रोथ केवल कंपनीज के नाम लेने से नहीं हो जाएंगे, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों की बात को भी समझना हल्का सा पड़ेगा और उसके हिसाब से अगर अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो फर्क दिखाई देगा। आप अगर एज ग्रुप आपका ज़्यादा है बट आपको अच्छी प्रोफाइल नहीं मिली है तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे सब चीज़ों को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो कम एज ग्रुप के लोग हैं, आज उनकी ग्रोथ इसलिए ज़्यादा दिखती है क्योंकि वो अपने को आज की जरूरत के हिसाब से जो लोग बदल ले जा रहे हैं उनकी ग्रोथ भी दिख रही है। जो अपने को आपको बदल नहीं पा रहे हैं आज की जरूरत के हिसाब से, उनके लिए ग्रोथ रेट उस लेवल का नहीं होता है जैसा और जगह दिखाई देता है। इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, हम लोगों ने जब जॉब हंट ड्राइव का इनिशिएटिव लिया, तो एक बात ये सोची कि जो कैंपस में कॉलेजेस में कंपनी आके बड़े ऑफर देती हैं और उनके नेम भी होते हैं, हम लोग भी एक बार ऐसी कोशिश जरूर हम लोग की रहती है कि जिनका कानपुर में नाम है वो कंपनी सारी आ पाएँ, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स आ पाएँ, सारे पैकेजेस आ पाएँ। और ये देखा गया है कि ये सारी चीज़ें सच होना साबित होने लगी हैं और वो हो भी रही हैं। माय डियर कैंडिडेट, इसके लिए बहुत बड़े काम नहीं किए गए हैं, इसके लिए सिर्फ एक सोच रखी गई है कि क्या जॉब हंट ड्राइव को सिर्फ जॉब देनी है कि जॉब हंट ड्राइव को प्रोफाइल बेस्ड जॉब देनी है, क्या एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जिसको एक्सपीरियंस है जिसकी प्रोफाइल उसको क्या उस लेवल की जॉब चाहिए जो उसको मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, क्या जॉब हंट ड्राइव ये प्लेटफॉर्म जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए बना है उनके लिए क्या ये साबित कर पा रहा है, क्या एक एक्स फैक्टर जो एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयबिलिटी में देखा जाता है कि इनके पास ये अलग से एक्स फैक्टर है, उस एक्स फैक्टर को क्या हम लोग जनरेट कर सकते हैं, क्या हम उसमें मेहनत कर सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये सारे काम हम लोग एक एक्स फैक्टर को डेवलप करके जिसको हम लोग बोलते हैं जीडी बेस्ड सेशन, जिसमें प्रोफाइल्स उनकी प्लानिंग प्रिपरेशन, उनका माइंडसेट क्या बातें अब रखेंगे, किन बातों को कैसे पिच करेंगे, कैसे वो अपने आप को मेटलाइज करेंगे, वो इस वक्त देख क्या रहे हैं और आप उनको दिखा क्या रहे हैं, इन सब चीज़ों का जो बड़ा डिफरेंस है वो बहुत मायने रखता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से इस बात को कहता हूँ, इन सब में जो छोटा छोटा सा होमवर्क किया जाता है वो होमवर्क एक बड़े
पैकेजेस में कन्वर्ट होता है, जिसमें अभी लोहिया में एक हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं स्वाति, जिनका कन्वर्जन अभी हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक दो दिन में। सर ये वीडियो सर आप आज आपको ये वीडियो देखने को भी मिलेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे उसका जो एक्सपीरियंस, इसको जरूर सुनिए, लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए, कितने एफर्ट्स के साथ में कैंडिडेट्स का एक पैकेज लाया जाता है। जब कोई कानपुर से टूट गया हो पूरा कि हमें कानपुर में जॉब अब नहीं मिल रही है, वो पैकेज नहीं मिल रहा हो, और उसके बाद उसको आखिरी समय में कोई एक सहारा जब मिलता है, तो ऊपर वाले का साथ, लोगों की दुआएं। इस प्लेटफॉर्म को मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आपने, जिस वक्त ईश्वर ने हम लोगों को ये थॉट दिया कि ये प्लेटफॉर्म आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिनको कानपुर में बहुत ज़्यादा लग रहा था हमें वो नहीं मिल रहा है, उनके लिए जब काम करता है। जब आप आज भी वीडियो देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि करिस्मेटिक एक एक्स फैक्टर के साथ में, जितने एफर्ट्स के साथ में हम लोगों ने प्रयास किया, और उनको बड़े रूप में बड़े बड़े बातें और बड़े बड़े शब्दों को देकर के हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ काम किया गया समझदारी के साथ में, जहां एक्शन लेना वहां लिया गया, और जो कैंडिडेट ने सहयोग दिया उसकी वजह से भी ये लोहिया में एक पैकेज कन्वर्ट हुआ, और मिशन दीपावली ज्वाइनिंग्स में हम लोगों ने जो प्रयास किए वो कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। आज जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं माय डियर कैंडिडेट, आज पूरे यूपी में, मैं इस बात के लिए बहुत ईमानदारी के साथ में और बहुत गर्व के साथ में कहूंगा, आज जो कॉलेजेस फीस ले रहे हैं 5 लाख 4 लाख 3 लाख 8, बड़ी बड़ी फीसेस कोर्स के नाम पे ली जाती हैं, बिल्डिंग्स के नाम पे ली जाती हैं, उन सब को हम लोगों ने अपने साधारण, अपने जनरल, अपनी थोड़ी नीयत साफ तरीके से, प्रयास से उनको आज हरा दिया है। आपको वो देखने का नजरिया चाहिए। आज आप देख लीजिए, आज वो कॉलेजेस कोर्सेज जो कर रहे हैं, आज वो पैकेजेस नहीं दे पा रहे, प्रोफाइल कुछ दे रहे हैं। मैं केवल इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि केवल अकेले हमसे हो रहा है, इसमें कैंडिडेट्स भी हैं, फैक्टर भी हैं, कई जिस वक्त उन्होंने किया उस वक्त वो प्रोफाइल थी, साथ में हम लोग एक प्रयास भी थे, टीम एफर्ट्स भी था, सबके प्रयास से आज ये चीजें हुई हैं। इसीलिए माय डियर कैंडिडेट्स, आज जो ज्वाइनिंग्स होती हैं, जब कंपनी में ए प्लस कैटेगरी कंपनी, जिसके वो ड्रीम कंपनी समझते हैं, आज उसमें अगर ज्वाइनिंग कन्वर्ट होती हैं, तो निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स, आप सब लोगों के इंकरेजमेंट से आगे बढ़ रहा है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे समय में और बढ़ जाती है जब ये बातें सब जगह फैलें, जानकारी में लोगों की जाएं कि ये प्रोफाइल्स इनके यहाँ पे हैं, इसके लिए आपने लोगों को मैसेज दिया हो, कन्वे किया हो। आज एक छोटा सा वो वीडियो जिसके लिए मीनिंग्स नहीं होती हैं, जिसकी जो कंट्रोवर्सीज बढ़ाता है, वो वायरल हो जाता है, और आज जब कानपुर में कोई एक ऐसा काम किया जा रहा हो जिसमें लोगों के घरों में खुशी आ सकती हो, मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई भी ऐसी बातें फैलाने में पीछे रहेगा। और आज इसी की वजह से है कि लोग ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जॉब ऑन ड्राइव में एक ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्रस्ट करके अपने लॉजिकली अपनी प्रोफाइल्स को प्रिपेयर करके जा रहे हैं, और वो रिजल्ट्स उनको आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो जो स्वाति का, वो जरूर देखिए पूरा, लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए। मैं आता हूँ सीधे कंपनी में, तो भावनाएं बहुत हैं, निकलती चली जाएंगी। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में आज एक ज्वाइनिंग आई है जो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छे पैकेज के साथ में आई है, 10 लाख या 10 लाख प्लस का पैकेज है। लाइजनिंग ऑफिसर हु कैन हैंडल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोफाइल्स में जो कर सकते हैं, अगर LLB या आपका लीगल बैकग्राउंड है तो और अच्छा है। इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज मैनेजर हैविंग अ नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट का अलग से है। रोटोमैक इंडस्ट्रीज में PPC मैनेजर, जिसमें 5 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में काम किया हो, पंप में काम किया तो बहुत अच्छा है। कटारिया ग्रुप में फैक्ट्री मैनेजर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हैविंग ए PLC नॉलेज, परचेज एग्जीक्यूटिव, ये रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। लोहिया कॉर्प में मैनेजर मशीन शॉप 6 लाख टू 10 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माइक्रोन्स इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग एक्सक्यूटिव हैविंग एक्सपीरियंस 35K पैकेज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। के प्लस में मार्केटिंग मैनेजर 50K का पैकेज अर्जेंट है। जारो इंटरनेशनल में बिजनेस डेवलपमेंट एक्सक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बैकेंड का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HR एक्सक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। बस इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन की ताकत है, CBSE SSC बोर्ड, जितनी धुआंधार इंग्लिश उतनी धुआंधार पैकेज। श्याम उद्योग में एक्सपीरियंस सुपरवाइजर फायरमैन चाहिए। सत्कीर्ति एजेंसीज में मेल फीमेल सुपरवाइजर स्टोर कीपर चाहिए। दीप न्यूमेटिक्स में सीनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली, GST, TDS, TCS, PF, ESI में जिन्होंने काम किया उनको अर्जेंट चाहिए। GN एजेंसीज में इसमें एक्सपीरियंस फीमेल अकाउंटेंट विद गुड टैली नॉलेज का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। BKM में डिप्लोमा केमिकल सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ
डिस्टिलाइजेशन कॉलम, बूस्टर वैक्यूम पंप, चिलर बॉयलर रिएक्टर, वर्टिकल कंडेंसर, है ना सर? सही है ना, कंडेंसर, वर्टिकल कंडेंसर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। किसान विवरेज में जूनियर अकाउंटेंट सुपरवाइजर चाहिए। पनकी पावर में मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस, मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैथू आईवीएफ हॉस्पिटल कौन सा है? मंटू, अच्छा कानपुर का ये है, अच्छा मैं देखा, अच्छा ठीक राइट ओके। मट्टू आईवीएफ हॉस्पिटल में ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ और सुपरवाइजर चाहिए। जो नर्सिंग स्टाफ रहते हैं उनके लिए ये इमीडिएट ज्वाइनिंग है। राज सेंस में कंप्यूटर ऑपरेटर, रिटेल सेल्स गर्ल्स, जूनियर सीनियर अकाउंटेंट, स्टोर इंचार्ज, डिलीवरी बॉय, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। एस्टल लिमिटेड में मैकेनिकल सीनियर ऑफिसर या ऑफिसर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल मेंटेनेंस में 2 रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, इसमें जो FMCG फार्मा में काम किया हो, रनिया में है। लेंसकार्ट में एरिया ऑपरेशन मैनेजर का रिक्वायरमेंट 10 लाख से 18 लाख है। इसमें केवल पैकेज केवल मत देखिए, स्पेसिफिक ऑप्टोमेट्रिस्ट और ये सब चीजों का नॉलेज होगा तभी फायदा होगा। ज्ञान डेयरी में सीनियर एक्सिक्यूटिव कॉस्टिंग 4 लाख to 6 लाख का पैकेज है। मोनी टी में ज्ञान डेयरी में सीनियर एक्सिक्यूटिव कॉस्टिंग 4 लाख to 6 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मोनी टी में रीजनल सेल्स हेड 90 का पैकेज है, सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट पैकेज है। हैवल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर 6.5 लाख, HR का एडमिन मैनेजर विथ टेली नॉलेज 6 लाख, वेयर हाउस इंचार्ज, MIS एग्जीक्यूटिव, MHE ऑपरेटर, 33 पिकर, 1 रिकॉर्ड कीपर, इलेक्ट्रीशियन, हाउस कीपिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सोशल मीडिया मैनेजर 2.5 लाख to 4 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HDFC सेल्स में झांसी, प्रयागराज, कानपुर में 2.5 लाख से 4 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एरिया सेल्स मैनेजर 4 लाख to 6 लाख में सेल्जर होम केयर का रिक्वायरमेंट है। RDM डेटा सर्विसेज में मेडिकल डेटा एनालिसिस 4 लाख to 6 लाख का लखनऊ में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर क्रिएशन में परचेज ऑफिसर, कल्याणपुर में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। होंडा में फीमेल रिसेप्शनिस्ट, CRE CRM विद गुड कंप्यूटर नॉलेज, कटारिया ग्रुप में एक्सपीरियंस सुपरवाइजर, महाराजा वेकर्स में स्टोर इंचार्ज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मंटोरा ग्रुप में ऑपरेटर सुपरवाइजर ग्रेड सोप प्लांट के लिए अर्जेंट चाहिए। कुमार क्रिएशंस में मेल फीमेल फ्रेशर और एक्सपीरियंस HR एक्सिक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड MS ऑफिस का चाहिए। मार्केटिंग कम लाइजनिंग मैनेजर, लैब केमिस्ट, फीमेल सब्सिट विद गुड नॉलेज कंप्यूटर एंड टेली नॉलेज का अर्जेंट चाहिए। MP बिरला में SAP ऑपरेटर टेली ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में टेली ERP का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में मेल फीमेल डायनेमिक पर्सन, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जिन्होंने काम किया हो, सीनियर मर्चेंडाइजर चाहिए, सैलरी एक्सपीरियंस जिनके पास हो। बंसल पंप में फीमेल बैक ऑफिस एक्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में स्टोर एक्जीक्यूटिव, परचेज एक्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल क्वालिटी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का चाहिए। नैरोलकपेंट में GSE इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। एंड कोड कंपोनेंट में एक्सपीरियंस बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। मुरली टीम में सुपरवाइजर सुपरवाइजर ऑफिस के लिए अर्जेंट चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। राधा रमन इंजीनियरिंग में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर चाहिए। हिंदुस्तान डॉकयार्ड में HR मैनेजर, फीमेल कैंडिडेट प्रेफरेंस इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नारायणा प्लास्टिक में रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। नमन गेस्ट हाउस में सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। इंगनट्स में स्टोर सुपरवाइजर, गारमेंट इंडस्ट्री में चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में स्टोर सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। GD इंटरप्राइजेज में मेल फीमेल फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स ऑन जेम एंड बेसिक ऑफिस वर्किंग टैली में अर्जेंट चाहिए। कैलिन लाइट्स में प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर, स्टोर कम परचेज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय ग्रो में सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन के लिए चाहिए। इंडस्ट्रियल टेक्नो में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सेल्स अकाउंट और सर्विसेज के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी कंपनीज जो भारतीय ग्रो है, इंडस्ट्रियल टेक्नो है, कैलिन लाइट्स हैं, ये सब में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। किसी को भी हल्के मत लीजिए, मैंने बीच में बताया हो अभिषेक सर, इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग तो सबके लिए कर रहे होते हैं, बट दिन भर में ये भी हो सकता है कि कोई एक दो कंपनी रह जाएंगी, सबको कॉल नहीं जा पाएगी। सब जगह पर रिक्वायरमेंट, अगर आप वाकई में जॉब चाह रहे हैं, वाकई में इवन आप जॉब जनरल चाह रहे हैं तो भी जॉब रेडी है, आप प्रोफाइल बेस्ड जॉब चाह रहे हैं तो और सुपर रेडी है। लेकिन अगर आप खुद ये नहीं चाह रहे हैं, खुद आ नहीं रहे, खुद एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी रेडी आपके लिए कहीं नहीं रहेगा। माय डियर कैंडिडेट, बढ़ जाइए, मांगे
घर वालों को भी टेंशन कम दीजिए, खुद भी खुश रहिए और एक अच्छा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाइए। और हमारे मिशन 2025 ज्वाइनिंग में, जैसे दिवाली ज्वाइनिंग में ज़्यादा हुई, आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करिए, लोगों में शेयर करिए, जॉब हंट ट्राइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन कॉल करिए, mysurejob.com को गूगल क्रोम में ओपन करके अलाउ करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ट्राइब, mysurejob.com। थैंक यू।